रीवा मध्य प्रदेश देश में कोरोना वायरस का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि अन्य देशों की भांति भारतवर्ष में मरीजों की संख्या कम है, लेकिन बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए देश के कई हिस्सों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। बीती रात रीवा जिले से भी कलेक्टर प्रशांत कुर्रे के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान केवल कुछ दवा की दुकानों के साथ कुछ दूध की डेयरियाँ ही छूट दी जाएंगी। आज संपूर्ण लॉकडाउन का असर रीवा जिले में देखने को मिला, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी, वहीं लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। टोटल लॉकडाउन है, क्या स्थिति आपकी? अन्य दिनों की अपेक्षा आज स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ लोग तो हैं, खासकर नवयुवक हैं, जो इस महामारी के बारे में या तो समझते नहीं है, जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं, रोडों में आ रहे हैं। बाकी अन्य दिनों की अपेक्षा आज स्थिति बहुत अच्छी है शहर में, और टोटल लॉकडाउन का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। सर, कुछ अपने यहाँ मतलब वार्ड में इनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उनको अगर क्वारंटाइन किया गया होगा या अकेले रहने की हिदायत दी गई होगी, तो कुछ दिनों बाद यदि उनके लक्षण आगे आते हैं तो फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, आज मतलब टोटल सारी दुकानें बंद नहीं है, ऐसा कुछ कोई ऐसा जुगाड़ कुछ खोला? नहीं, आज कोई भी दुकान खुली नहीं मिली है। 12 बजे तक दूध की दुकानें खुली थी, इसके पश्चात मेडिकल की दुकानें सारी खुली हुई हैं, अन्य कोई दुकान नहीं खुली पाएगी। तो अन्य दिनों का अपेक्षा सही है? हाँ, अन्य दिनों की अपेक्षा आज बहुत अच्छी स्थिति है शहर की। संपूर्ण लॉकडाउन की देखिए, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख तक जो है उसको लॉकडाउन करने का आह्वान किया है। समय और परिस्थिति को देखते हुए आगे इसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, ये निर्णय अभी लेना मुश्किल है। अभी इसमें कुछ दिन और इसको देखेंगे, फिर जैसा भी होगा आगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। संपूर्ण लॉकडाउन